एक बहुत बड़े आलिम तो तबीब भी थे, हकीम जियाउद्दीन सुन्नामी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, आलिम थे ज़बरदस्त, इल्म फ़िक़्ह में बड़ी महारत थी उनकी, फ़कीह थे वो, बहुत तजीब लोगों की निगरानी करते, वो उसी निगरानी के दौरान निज़ामुद्दीन में पहुँचे। आज वहाँ करोड़ों रुपये की बिल्डिंगें खड़ी हुई, लेकिन वो दौर वो था कि कोई बिल्डिंग नहीं, जंगल बयाबान, एक खेमा बड़ा क्या हो, उसमें ऐसे शेख तशरीफ हो रहा और उनके मुरीदीन बैठे हुए और वहाँ सिमा हो रहा था। सिमा के माने ये कि एक शेख खुश आवाज़ी के साथ अशार पढ़ रहा था, ये सिमा कहलाता है। जाहिर है कि ये सिमा बतौर इलाज इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों पर रूहानी कब्ज़ तारी हो जाता है, रूहानी तरक्की रुक जाती है, जिसे इंसान के पेट में कब्ज़ हो जाता है, आप उसके दवाई करते हैं, इसलिए रूहानी कब्ज़ भी होता कि रूहानी तरक्की रुक जाती है उसके, उस कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए तजबीये करते हैं वली अल्लाह अपने मुरीदीन के लिए, किसी को वज़ाइफ़ बताते हैं, किसी का वज़ाइफ़ तब्दील कर देते, किसी का औकात तब्दील कर देते, किसी का मकाम तब्दील, उसे खुल जाती है। और बाद वो होते हैं कि उसके लिए एक तदबीर करता है अशार का सुनना, अशार भी बहुत मौसर चीज़ है, अशार के सुनने से भी इंसानी कल के अंदर कैफियत पैदा होती, तो बाद में ऐसे होता कि वह अशार से भी इलाज करते, वो बतौर इलाज करते हैं, उसे कहते हैं सिमा। लेकिन शर्तें उसके लिए कि सिमा में अशार पढ़ने वाला आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, मुतसर्रे हो, चेहरे पर दाढ़ी हो, उसे बेरीश लड़का ना हो, औरत ना हो, और पढ़ने पढ़े जाने वाले अशार जो हैं वो अशार जो हैं वो आलिमाना अशार हो, अशार आरिफाना अशार हो, सूखियाना अशार ना हो, बाजारी किस्म के अशार हो, ऐसे कोई अशार पढ़े जा रहे थे। लेकिन जाहिर है कि ये अशार का पढ़ना कोई सही तरीका तो है नहीं, ये तो एक इलाज है, तो बहुत से सूफिया के नाम करते हैं उसका, शेख निज़ामुद्दीन और यह भी इस पर अमल करते हैं, वहाँ सिमा हो रहा, हकीम जियाउद्दीन सुन्नामी जो मुहतसिब हैं वहाँ पहुँचे जाकर देखा सिमा हो रहा, तो जो ये कोई शरी चीज़ तो है नहीं, खिताब फ़िक़्ह की किरामतें लिखा नहीं, कहा ये सब उन पर फ़िक़्ह का गलबा था, कहा ये सब चीज़ खिलाफ, कहा ये क्या खिलाफ शरा काम हो रहा है, बड़े ज़ोर से चिल्ला कर ये क्या खिलाफ शरा काम हो रहा है, बंद करो। मैं वहाँ कोई अपने होश में तो सुने शेख की रूहानियत का इतनी गलबा था कि किसी को खबर नहीं क्या कहा, इन्होंने ज़ोर से चिल्ला कर फिर कहा क्या खिलाफ शरा काम कर रहे, बंद करो इसे, किसी ने नहीं सुना। तीसरी बार तो फिर कहा मगर नहीं सुना, जब देखा कोई सुन ही नहीं रहा है, तो अपने साथ जो सिपाही रहते थे उनके पुलिस रहते थे, कहा ऐसे नहीं सुनेंगे, जाकर ऊपर खेमे की रस्सियाँ काट दो, जब खेमा गिरेगा इनकी बात तो पूछा हुक्म की दे थी, पुलिस वाले ऊपर चढ़े जाकर रस्सियाँ काट, मगर माँ बड़ी ये काम ही बैठा हो, खेमा रस्सियाँ कितने के बावजूद जो कर तू खायल रहा गिरा नहीं। हकीम साहब को ख़तरा हुआ कि पुलिस वालों का कीदा नहीं खराब हो जाए, कहा जो कुछ हुआ करे तो आज चलो यहाँ से, चलो यहाँ से लेकर चले गए, चलो ये वाकया हो गया। इस पर दो साल बीत गए, दो साल गुजर गए, दो साल के बाद हजरत शेख को निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को इल्म आया कि हकीम जियाउद्दीन सुन्नामी पर आलम नजात आ रही है, उनका वक्त वफात करीब है, जाहिर कि वो आलिम है, जय्यद आलिम है, इसे शेख के कल में उनकी मोहब्बत थी, तो लोगों को इत्तला किए बगैर ये खबर सुनते ही बेइख्तियार चल पड़े उनकी तरफ, जबकि कहीं निकलते थे बाहर तो शेख और आदमी पीछे चलते थे, लेकिन आज किसी को खबर नहीं थी, खुद चल रहे उस तरफ में, उस जिसमें उस मोहब्बत में। मीरों की मसावत निज़ामुद्दीन से देरी थे, गर्मी शदीद पड़ रही, उसी के अंदर चले जा रहे, हकीम साहब घर पर पहुँचे, वहाँ घर में कोई औरत नहीं थी, एक वफादार खादिम था हकीम साहब, दरवाजे पर दस्तक दी, खादिम आया, देरी वो मकाम था कि शेख के मोतकदीन और वो थे कि हर शख्स की तमन्ना थी कि कदम हमारे घर पर आ जाए, हर शख्स तमन्ना रखते थे, ये खादिम भी नहीं बता, दरवाजे पर आया दस्तक सुनने का, देखा हजरत शेख खड़े हुए थे, उसका अजीब व गरीब हाल हो गया, हजरत शेख तो ठीक आए, बहुत बेताब हो गया देख, शेख ने फरमाया कि जाओ हकीम साहब से हमारा सलाम अर्ज करो, हमारी जगह अस्सलाम वालेकुम, और पैगाम दो कि निज़ामुद्दीन आपकी तबीयत पूछने के लिए अंदर आने की इजाज़त चाहता है। ये दौड़ता हुआ आया खाली और आकर बड़े अहतमाम से कहा कि हजरत शेख तशरीफ आए, बाहर तशरीफ फरमाए, खड़े हुए हैं, आपको सलाम कहा और ये पैगाम दिया कि आपकी मिजाज कुर्सी करने के लिए अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं उसके नाम से। हकीम साहब ने उसी आलम में नज़ा होश कायम थे अभी तक, उसी नज़ा के आलम में जवाब दिया कि जाओ सलाम के जवाब में कहो वालेकुम सलाम, और पैगाम के जवाब में कहो कि मेरे मरने का वक्त करीब है, मैं इस वक्त में किसी बिदती की सूरत देखना नहीं चाहता, लिहाजा आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। वो जो अमल देखा था इमाम हज़रत शेख का, वो सिमा का, उसे बिदत करार दिया, कहा कि मैं बिदती की सूरत देखना नहीं चाहता, लिहाजा आपको आने की इजाज़त,
وہ زہر کے جی کے لوگ تڑپتے تھے کہ گھر پہ قدم آ جائیں, وہ آنا چاہتے ہیں, یہاں حکیم صاحب کہیں نہیں آنے کی جاتی. خادم کے قدم پتھر کے ہو گئے, کیسے جا کے شیخ سے ہی کہے کہ آپ کو نہیں جائے گی, مگر باہر جا کے خاموش کھڑا ہو گیا. شیخ نے فرمایا کہ جو کچھ کہا حکیم صاحب نے انہیں کے الفاظ نقل کرو, مجبور بھائی اسے کہنا پڑا کہ حکیم صاحب نے یہ فرمایا. سلام کے جواب میں سلام جواب دیا اور جواب پیغام کے دیا کہ میرا مرنے وقت قریب ہے, میں اس وقت میں کسی بدعتی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا, لہٰذا آپ کو آنے کی اجازت نہیں. شیخ نے فرمایا کہ دعا پھر تکلیف کرو, دوبارہ ہمارا سلام عرض کرو اور یہ کہنا کہ بدعتی اپنی بدعت سے توبہ کر کے آپ کی خدمت حاضر میں پہنچا. یہ پیغام پہنچا, خادم نے جا کے سنایا, اس کے جواب میں کیا حکیم صاحب نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پگڑی اتاری اور خادم کو دی کہ زمین میں بچھاؤ اور حضرت شیخ سے حل کرو کہ اس وقت قدم رکھتے ہوئے تشریف لائے, مجھے توقع ہے ان کے قدموں کے برکت سے تعالیٰ مغفرت ہو. دو منٹ پہلے ان کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے, اور جب یہ کہا کہ میں بدعت توبہ کر کے آؤں, فرمایا کہ وہ اس مقام پر ہیں کہ ان کے اپنی میری پگڑی کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آئے, تو ان کے قدموں کی برکت سے مجھے توقع ہے تعالیٰ مغفرت ہو.